हाय दोस्त, अपना यूट्यूब चैनल यस के ग्रुप मैथ प्रैक्टिस। यस के ग्रुप मैथ प्रैक्टिस में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ का प्रैक्टिस कराया जाता है। भाई अगर सपने देखने का शौक है तो रात भर पढ़ना शुरू करो। सपने तभी पूरे होंगे जब नींद अधूरी होगी। देखिए सवाल क्या कह रहा है। अच्छा दूसरा पार्ट है त्रिकोणमिति। अब यहाँ पे क्या लिखे है, काश यानी 150 अंक। अब हमें क्या करना है, यही सूत्र पे लगेगा। अब यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। कास ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। कास ए माइनस बी कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कास कितना है 150 अंश। कितना है कास 150 अंश, हमने कितना लिखा कास 90 में जब 60 जोड़ेंगे तभी तो बनेगा 150। यानी कितना बनेगा भाई, यानी कास 150 अंश है, कास हमने उतारा। यानी हमें क्या है 150 अंश बनाना है, जब 90 में 60 जोड़ेंगे तभी तो 150 बनेगा। ये यहाँ पे देखिए कास ए प्लस बी बन गया फार्मूला। कास ए प्लस बी, हमने कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या लिखा है, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे देखिए हमने इसे ए माना, इसे क्या माना भाई बी। हमने तारा कास 90 इंटू कास 60 माइनस, देख लीजिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, सूत्र माइनस है, हमने क्या लगा भाई माइनस। अब क्या करना है, साइन 90 इंटू साइन इंटू साइन 60। अब यहाँ पे देखिए कास कास 90 का मान कितना था, एक गुणा तीन लगा यानी कास 60 अंश। कास 60 अंश का मान कितना होता भाई, कास 60 अंश का मान 1/2 माइनस साइन यानी कास 90 का मान 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे साइन साइन 90 का मान कितना होता है, एक गुणते साइन यानी साइन 60 अंश का मान √3 कितना होता है, दो होता है। कितना होता है, दो। अब यहाँ पे देखिए जब हमने गुणा करेंगे 0 × 0/2 माइनस √3 नीचे कितना है भाई, तो यहाँ पे देखिए हर बराबर है, हमने हर उतारा 0 − √3 जब घटाया कितना आ गया भाई −√3 कितना है, दो। सवाल नंबर अगला 150 अंश। अब यहाँ पे क्या है, जब कास 150 है हमने उतारा कास, अब कितना जोड़े यानी जब 60 यहाँ पे कितना है, कास कितना है 105। अब क्या करना है, कास को हमें तोड़ना है, 105 को तोड़ना है, जबकि अब हमें 60 में 45 मिलाएंगे तभी तो यानी 105 बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कास ए प्लस बी, कास ए प्लस बी, कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हमने लिखा यानी कास 60 अंश इंटू यानी कास 45 प्लस है, क्या लिखा भाई माइनस, यहाँ पे देखिए सूत्र में प्लस है यानी क्या यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, साइन 60 इंटू साइन कितना, साइन 45। अब यहाँ पे देखिए साइन कास 60 अंश, कास 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 गुणते कास 45 अंश मान 1/√2 माइनस साइन 60 अंश का मान √3/2 फिर बोला साइन 45 अंश मान 1/√2 हमने बोला किया 1 × 9 एक नीचे 2√2 माइनस 3 × 9 3 दो गुण में दो। अब यहाँ पे देखिए हर हर बराबर है, हमने हर ऐसे उतारा, अब क्या किया ऊपर हम उतारा −√3 हमारा क्या हो गया भाई, यही आंसर हो गया। सवाल नंबर अगला क्या है, कास क्या है 15 अंश। कास क्या है 15। सफलता जिस ताले में बंद रहती है, सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है। एक दिन संकल्प, हमें क्या भाई संकल्प कर लेना है, मेहनत करना होगा, हमें उस माँ बाप के सपनों को पूरा करना है जिन्होंने आपके प्रति सपनों को सजा के रखा है। अब यहाँ पे देखिए कास कितना है 15 अंश, हमने क्या लिखा कास 60 माइनस
पैतालीस कितना होता है 60 माइनस 45। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लगे, जब 60 में 45 घटाएंगे तभी तो यहाँ पे 15 बनेगा। अब यहाँ पे देखिए हमने cos a माइनस b, a माइनस b का सूत्र क्या लिखा है, cos a into cos b प्लस sin a into sin b, हमने यहाँ पे लिखा cos, cos 60 into cos 45 कितना लिखा भाई, cos 45 माइनस है प्लस लिखा, sin 60 into sin 45। अब यहाँ पे देखिए साइन 60 अंश का cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, cos 45 अंश का मान 1/√2, फिर प्लस साइन साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2। अब यहाँ पे देखिए हम ऊपर ऊपर पर गुणा किए कि करना में नीचे में 2√ कितना आ गया 2 आ गया, फिर प्लस 3√3 बटे देखिए 2 यानी 2√ में कितना आ गया 2। और यहाँ पे देखिए दोनों हर हर मिल रहा है, हमने हर ऐसे उतारा, अब क्या किया भाई ऊपर जोड़ लिया 1+√3। सवाल नंबर अगला क्या है, साइन कितना है 75, साइन कितना है भाई 75, हमने क्या किया साइन कितना किया भाई 45 प्लस कितना 30। अब यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या लिखाया है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, हमें क्या माना इसे ए मानना इसे क्या माना है भाई बी, हमने लिखा साइन 45 इंटू कास 30 प्लस कास 45, क्या करना है भाई कास 45 इंटू साइन 30 अंश। अब यहाँ से देखिए अब यहाँ पे क्या साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2, साइन 30 अंश का मान के यानी कास कास 30 अंश का मान क्या होता है √3/2, फिर प्लस कास 45 अंश का मान 1/√2, साइन 30 अंश का मान 1/2। अब हमने क्या किया ऊपर ऊपर का गुणा किया 3√3, नीचे क्या किया 2√2 प्लस 1√1 यानी नीचे क्या आ गया 2√2। अब देखिए दोनों हर हर मिल रहा है, हर हमने ऐसे उतारा, अब यहाँ पे 3 है फिर प्लस अंश जोड़ लिया। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए 1+cos θ/1-cos θ बराबर क्या करना है, सिद्ध cosec थीटा प्लस cot थीटा। अब यहाँ पे देखिए हमने सवाल उतारा यानी क्या उतारा 1+ cos थीटा बटे 1-cos θ। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया परिमेयकरण करना है, क्या करना है परिमेयकरण करना है। अब यहाँ पे देखिए 1 - 1+cos θ 1+cos θ बटे 1+cos θ, अगर यहाँ पे माइनस होगा ऊपर नीचे प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा ऊपर नीचे क्या हो जाएगा भाई माइनस। अब यहाँ पे देखिए 1+cos θ 1+cos θ मिल रहा है, हमने बाहर कर लिया 1+cos θ। अब यहाँ पे देखिए यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, यानी क्वेश्चन में a माइनस बी दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है a प्लस बी, वही इसमें फार्मूला लगा है यानी a माइनस बी a प्लस बी, हमने रूट में क्या लिखा 1-cos²θ। अब यहाँ पे देखिए हमने ऊपर 1+cos θ उतारा, अब नीचे यहाँ पे देखिए 1-cos²θ बराबर क्या होता है sin²θ, क्या होता है sin²θ। अब यहाँ पे देखिए कैसे sin²θ प्लस cos²θ बराबर कितना होता है एक होता है, हमने sin² उतारा sin²θ उतारा, अब यहाँ पे 1 है तो अब देखिए cos²θ प्लस में इधर आया भाई माइनस, क्या हो गया -cos²θ। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है 1-cos²θ बराबर क्या होता है sin²θ, यानी 1-cos²θ बराबर क्या होता है sin²θ। अब यहाँ पे देखिए 1+cos θ उतारा, अब यहाँ पे देखिए sin²θ यानी वर्ग में है बाहर आ गया sin θ। अब यहाँ पे देखिए ऊपर एक है तो नीचे क्या है भाई sin θ, बीच में प्लस है प्लस cos क्या भाई cos थीटा बटे कितना sin थीटा। अब यहाँ पे देखिए 1/sin θ बराबर क्या होता है cosec थीटा, क्या होता है cosec थीटा प्लस है प्लस cos थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा,
यही हमारा सिद्ध करना था, क्या गया भाई राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए सवाल नंबर अगला क्या है, हमने उतारा राइट हैंड साइड लेफ्ट यानी आर एस एस एल एच एस यानी वन माइनस है, हमें क्या यही सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है sec a माइनस tan a। हमने क्या लिखा भाई sin a बटे कितना 1 प्लस sin a, फिर बोलते क्या लगा भाई इसका परिमेयकरण करना है 1 माइनस sin a बटे क्या होता है 1 माइनस sin a। हमने क्या बताया अगर यहाँ पे माइनस होगा ऊपर नीचे प्लस कर लेना है, अगर यहाँ पे प्लस होगा ऊपर नीचे क्या करना है माइनस करना है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया है जैसे रूट में 6 गुणते जैसे रूट में 6 दोनों अगर संख्या मिल रहा है 6 बाहर हो जाएगा क्यों, अब देखिए दोनों का गुणा करेंगे 36 किसका वर्ग है 6 का, तो हमें क्या करना है अगर दोनों संख्या सेम है 7 यानी 6 बाहर हो गया, अगर जैसे रूट में 18 गुणते रूट में 18 दोनों संख्या मिले 18 बाहर कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन ए मिल रहा है हमने बाहर किया 1 माइनस साइन ए बटे, अब देखिए a प्लस b a माइनस b, अभी हमने आपको फार्मूला बताया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में माइनस b दूसरे क्वेश्चन में a प्लस b, वही यहाँ पे है यानी 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a, हमने क्या किया रूट किया यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना सकते हैं यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहाँ पे देखिए हमने ऊपर उतारा 1 माइनस साइन a बटे क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर a, अभी हमने आपको बताया है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर कितना होता है, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर हमने उतारा, अब देखिए साइन प्लस उधर गया भाई माइनस हो गया साइन स्क्वायर a, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर a, अब यहाँ पे देखिए ऊपर 1 माइनस साइन ए बटे कॉस स्क्वायर किसका वर्ग है भाई कॉस का वर्ग है कॉस का वर्ग है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर ए कहते हैं नीचे क्या है भाई कॉस ए, अब माइनस है माइनस साइन ए बटे क्या है कॉस ए, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस ए बराबर क्या होता है sec ए, माइनस है माइनस साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है tan ए होता है, क्या होता है tan ए, इसी तरह करना था हमारा आ गया सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है cos 80 बटे sin 10 यानी cos 59 बटे कितना है cos 31। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या एक को चेंज करना है, चाहे कास को चेंज कर दे चाहे साइन को, अगर कास को चेंज करेंगे साइन में चेंज होगा, अगर साइन को चेंज करेंगे कास में चेंज होगा, हमें क्या करना है एक को चेंज करना है चाहे जिसको चेंज करें। अब यहाँ पे देखिए कास है, हमने यहाँ पे क्या है जब 90 यहाँ पे 80 है ना भाई, हमने 90 उतारा, जब यानी 90 में जब 10 घटाएंगे तभी तो 80 बचेगा, नीचे क्या भाई साइन 10 अंश प्लस, अब यहाँ पे क्या है कॉस, जब 90 में हमने 29 घटाएंगे यानी क्या भाई जब 90 में हमने 31 घटाएंगे तभी तो यहाँ पे 59 प्राप्त होगा, अब यहाँ पे कितना है साइन 31 अंश, अब यहाँ पे देखिए कॉस है तो हमने किस में चेंज हो गया भाई साइन में, क्या घटाया था 10 नीचे क्या भाई साइन 10 अंश फिर प्लस ये कॉस हमने किसने बदल किया भाई साइन 31 अंश बटे साइन नीचे क्या है साइन 31 अंश, देखिए एक से साइन एक अन्नम साइन साइन एक अन्नम साइन, यहाँ पे एक बचा फिर प्लस यहाँ भी एक बचा जोड़ लिए कितना आ गया 2, कितना आ गया भाई 2 आ गया। हाय दोस्त वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर करें। जय हिंद जय भारत, खुश रहिए मस्त रहिए।